हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले हैं चिली पनीर विद ग्रेवी। एकदम इजी तरीके से ये बन जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप सेज़वान राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ आराम से बनाइए और खाइए और इन्जॉय करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए भी ये टेस्टी टेस्टी पनीर चिली बनाना ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम टेस्टी टेस्टी चिली पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम ये पनीर चिली बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पनीर ले लिए 300 ग्राम, ये हमारे पनीर है। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ, बड़ा बर्तन ले लेती हूँ। अभी मैं एक प्लेट ले ली हूँ, इस तरह से मैं इसमें ये सारे पनीर के इस तरह से ये पीसेस इसमें डाल दूँगी और इसी में मैं ये डालूँगी इस तरह से। ये एक चम्मच ये मैदा है, ये एक चम्मच हम डाल रहे हैं और इसी में मैं ये डालूँगी इस तरह से। ये दो चम्मच ये कॉर्नफ्लोर के पाउडर हैं तो हम ये दो चम्मच लेंगे और अब मैं इसी को इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से, मैं कोई इसको लिक्विड में कोट नहीं करूँगी, बस इस तरह से धीरे धीरे इसको हम ये पाउडर में इस तरह से इसको हल्का सा कोट कर ले रहे हैं बस। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको हल्का हल्का हाथ से इस तरह से इसको कोट कर लूँ। अभी जो भी ये एक्स्ट्रा ये कॉर्नफ्लोर और ये मैदा है इसको मैं निकाल ले रही हूँ। इसको हम निकाल लिए, अब मैं इसको साइड में रखती हूँ। अब ये आप देखिए, मैं इस तरह से ये एक चम्मच ये मैंने ये लाल मिर्च के पाउडर लिए हैं, ये मैंने एक ही चम्मच लिए और इसमें मैं इस तरह से बिल्कुल इसे दो से तीन चम्मच बस इसमें इस तरह से ये पानी डाल के इसका थोड़ा सा ये घोल तैयार कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा हम नहीं डालेंगे इसमें पानी, इस तरह से ये हमने तीन से चार चम्मच इसमें पानी लग गए हैं एक चम्मच के हिसाब से। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। अब जो हमने पनीर को तैयार करके रखे थे, इस तरह से कोट करके रखे थे और इसमें हम इस तरह से ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसको डाल देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको डाल देंगे और हल्का सा बस मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं हाथ लगा के, ये चम्मच से बन नहीं रहा था इसलिए मैंने थोड़े से हाथ लगा के इसको किए और बहुत ही आराम से करना है। ये पनीर हमारे एकदम सॉफ्ट है, मैंने इसको अभी ही बनाए हैं। इस तरह से 1.5 लीटर दूध से मैं ये पनीर बना करके तैयार की हूँ। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो आप ये देखिए, अच्छे से ये इस तरह से कोट भी हो गया है। अब ये मैं एक पैन चढ़ा ली हूँ, इसको गर्म कर लेते हैं हम। अब इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए, ऑयल भी डाल दिए, इसको भी गरम कर ले रहे हैं। आज हम इसको सेलो फ्राई करेंगे इस तरह से ऑयल में। तो ये देखिए, ऑयल भी गरम हो गया। इस तरह से हम ये एक एक करके इसमें इसको डाल देंगे। तो इसको हम एक साथ नहीं करेंगे, इस तरह से दो बैच में इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैं इस तरह से हल्का हल्का इसको टर्न कर दे रही हूँ, ये इधर से भी अच्छे से सिक जाए। तो बस हल्का सा हमें इसको इस तरह से सेक लेना है दोनों साइड से। तो ये दोनों साइड से सेक गया और साइड का भी इसको हम इस तरह से ऐसे इस तरह से सेक लेंगे तो ये चारों साइड से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अब ये सिक गया है, अब इसको मैं एक प्लेट में इस तरह से निकाल लूँगी। तो हम प्लेट में सारा निकाल के इसको रख ले रहे हैं और जो हमसे सेकेंड बैच का भी बचा के रखें उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको सेकेंड बैच का भी डाल दी, इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर ले रहे हैं, इस तरह से टर्न कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे पनीर फ्राई कर लिए। अब हम इसी ऑयल में ही अब इस तरह से हम ये गार्लिक डालेंगे। इस तरह से मैं 15-20 गार्लिक ली थी, इसको बारीक बारीक इस तरह से कट कर ली, बस इसको भी हम इस तरह से हल्का पका लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये गार्लिक भी पक गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से ये जिंजर ली थी 2 टुकड़ा, उसको हम अच्छे से कद्दूकस कर दिए थे, और 2 ग्रीन चिली ले ली हूँ, इसको भी अब हम इसी के साथ में पका ले रहे हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह से ये तीनों चीज़ें अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, इसमें हम ये 2 ऑनियन लिए थे, इसके एक एक स्लाइस निकाल दिए हैं। इस तरह से हम ये एक एक पीस इसके निकाल दिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम ये ऑनियन के
एक ऑनियन में चार टुकड़ा कट करके इस तरह से खोल लिए थे, अब इसको भी हम इसी में ही डाल दे रहे हैं। अभी देखिए बर्तन मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बड़ी वाली कढ़ाई में शिफ्ट कर ली हूँ, क्योंकि मुझे मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं इसी में डालूँगी ये 1 बिग साइज के कैप्सिकम है, ग्रीन वाले। आप चाहें तो इसमें ग्रीन और रेड और येलो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ग्रीन वाले कैप्सिकम से ही ये बन जाएंगे बहुत बढ़िया। तो बस इसको भी इस तरह से हम ये डाल के अच्छे से इसको भी हम 2-3 मिनट तक पका लेंगे, पर इसको हमें कवर करके नहीं पकाना है, ओपन में इसको पकने देंगे। जब तक हमारा ऑनियन और कैप्सिकम पक रहा है तब तक हम आगे किस तरह से तैयार कर लेते हैं। अब हमें ये स्लरी बना लेते हैं। इस तरह से मैंने ये 1.5 कप ये पानी लिए और इसी में मैं ऐड करूँगी इस तरह से 4 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर के, इस तरह से हम ये पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा घोल तैयार हो गया है। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब इस तरह से देखिए ये हमारी सब्ज़ी भी इस तरह से 30% तक इस तरह से पक गई है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, इस तरह से 1 मिनट और अच्छे से इसको पका ले रहे हैं। अब ये थोड़ी पक गई है। अब इसमें मैं इस तरह से ये 1 चम्मच नमक डालूँगी, आप नमक स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। अब इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून ये ब्लैक पेपर है, और इसी के साथ मैं इसमें 2 चम्मच ये सोया सॉस डालूँगी। अब इस तरह से हम ये मिक्स कर देते, अगर हमें लगे कलर थोड़ा कम है तो हम सोया सॉस थोड़ा सा और ऐड करेंगे। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। और इसी के साथ ही डालूँगी 2 चम्मच ये ग्रीन चिली सॉस है, इसको भी हम डाल दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं डालूँगी इस तरह से 2 चम्मच ये रेड चिली सॉस, और इसी के साथ मैं डालूँगी 3 चम्मच ये टोमेटो केचप, इसको भी हम डाल के इसमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। और इसी में ये जो हमने इस तरह से चिली पाउडर का जो पानी तैयार करके रखे थे पेस्ट, इस तरह से पाउडर में हम पानी डाल के मिक्स कर रहे थे ना, बस ये भी थोड़ा सा बच गया था, इसको भी हम डाल ले रहे हैं। और अब मैं इसी में जो हमने ये कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किए थे बस इस तरह से ये मिक्स किए हैं, इसको भी हम एक बार अच्छे से फिर से चम्मच से मिला के इसमें डाल दे रहे हैं। अब ये देखिए इस तरह से ये पक गए। अब हम इसमें ये जो हमने पनीर को सेलो फ्राई करके रखे थे इसको हम डाल देते हैं, और इसको भी हम इसी के साथ इसमें अच्छे से इस तरह से ये मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये आप देखिए ये हमारी ग्रेवी वाली पनीर चिली बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, ये होटल से भी बहुत ही बढ़िया इजी तरीके से घर में बना है और बहुत ही टेस्टी है। इसको आप फ्राइड राइस सेज़वान राइस के साथ खाइए, मज़ा ही आ जाएगा। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं एक इस तरह से रोल ले लेती हूँ और इसी में हम ये गर्मा गर्म इसमें ये डालेंगे। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना, और बहुत ही टेम्पटिंग है खाने में भी, और एकदम इजी तरीके से ये बन भी जाता है। और इसको हम और थोड़ा सा गार्निश कर ले रहे हैं इस तरह से ये स्प्रिंग ऑनियन से। तो ये देखिए ये हमारा गर्मा गर्म ये हमारा चिली पनीर बनकर तैयार हो गया है विद ग्रेवी वाला। देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी, बनाना उतना ही इजी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।